नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की दिन भर की 100 बड़ी खबरों से। यूपी बिहार समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ से हालात खराब, जाने के आगे मौजूदा स्थिति। म्यांमार से उड़द और तुअर दाल का आयात करेगा भारत, प्रोसीजर तय। इस साल कब है विश्वकर्मा पूजा, जाने तिथि, पूजा मुहूर्त और महत्व। देश में कोरोना वायरस के दर्ज हुए 31,222 नए मामले, 290 लोगों की मौत। शिक्षक पर्व पर पीएम मोदी का संबोधन, कुछ ही देर में नई NEP के पहलों को करेंगे लॉन्च। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों का हुआ कोरोना टेस्ट, रिपोर्ट आई सामने। मलाइका अरोड़ा ने बहन अमृता अरोड़ा के साथ मटकाई मस्त कमर, लेकिन अंत में हुआ कुछ ऐसा, मुंह के बल गिरी एक्ट्रेस। चीन के शिकंजे में दवा उद्योग, दुनिया भर में API उद्योग को नष्ट करने में जुटा ड्रैगन। सिंगल चार्ज में 470 किलोमीटर दौड़ेगी रेनॉल्ट मेगेन ई-टेक, दमदार फीचर्स से होगी लैस। IPL टीम की दौड़ में है ये 6 शहर, 2022 में और भी बड़ा हो जाएगा ये टूर्नामेंट। चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को कैसे मिली ऐतिहासिक जीत, ये रहे 5 बड़े कारण। भारत की धमाकेदार जीत से टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में बड़ा बदलाव, जानिए टीम की स्थिति। विराट कोहली ने किया खुलासा, इस गेंदबाज ने मुझसे कहा कि मुझे एक गेंद दो और फिर चटका दिया विकेट। 45 की उम्र में 35 के नजर आने के लिए आज से शुरू कर दें इन 5 आसनों को करना। बोमन ईरानी पर टूटा दुखों का पहाड़, मां की मौत के 2 महीने बाद अब ससुर का हुआ निधन। खराब हो चुके विंटेज कार को बेचकर कर सकते हैं लाखों की कमाई, बस फॉलो करें ये टिप्स। इन 5 फूड्स को कम ना आके तेजी से घटा सकते हैं आपका वजन। बसपा सरकार के स्मारक घोटाले में 57 के खिलाफ आरोप पत्र, जानिए कौन कौन है शामिल। बसपा की लखनऊ में आज विचार संगोष्ठी, संबोधित करेंगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती। CBI ने वर्धमान रोलर फ्लोर मिल्स में पकड़ा 20 करोड़ का फर्जीवाड़ा, बैंक अफसर भी बनेंगे आरोपी। कुशीनगर में अवैध संबंध के शक में पत्नी व 2 बच्चों की हत्या, जाने रातों रात कैसे बेहद चर्चित हो गई यह छात्रा, राहुल गांधी ने भी की जमकर तारीफ। प्रयागराज से भी चल सकती है किसान रेल, आलू व केले के किसानों को होगा लाभ। जाजमऊ पुराना पुल की उम्र और भार सहने की क्षमता जांचेगी IIT की टीम, NHI से करार। डेंगू मलेरिया और वायरल में संजीवनी से कम नहीं, पपीते के पत्ते का जूस। BBU प्रवेश परीक्षा 2021 फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट आगे बढ़ी, करें तालिका तेज पर आपके श्रृंगार में 4 चांद लगा देगा ये लेटेस्ट मेहंदी डिजाइंस। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 9 सितंबर को जारी करेंगे NIRF रैंकिंग, पिछले साल ये थे टॉप कॉलेज। शानदार मोटरसाइकिल ला रही TVS, पावरफुल इंजन के साथ हो सकती है कनेक्टेड फीचर्स से लैस। एजुकेशन से जुड़े 6,40,000 के इस सवाल पर कल्पना ने छोड़ा गेम, क्या आपको पता है इसका जवाब। अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ रहे बैंक, छोटे कारोबारी खुदरा ग्राहकों को सस्ती दर पर मिलेगा लोन। निपा वायरस के कहर से केरल सरकार सतर्क, आज से घर घर जाकर होगी जांच। हाईकोर्ट ने पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह की आय व्यय का मांगा ब्यौरा। मतांतरण को लेकर थाने में हुई मारपीट, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, लेकिन टटोलनी होगी वजह। मतांतरण और लव जिहाद के विरोध में आज पद यात्रा। पेपर का नहीं होगा इस्तेमाल, सीधे ऐप में भरी जाएंगी वन्य प्राणियों की जानकारी।
रायपुर में जेएन पांडे जे आर अदानी और सप्रशाला का स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में होगा उन्नयन। रायपुर के पुरानी बस्ती थाने में पादरी से मारपीट के मामले में दो गिरफ्तार, पांच फरार। अब पंडालों में बैठा सकेंगे 8 फीट की गणेश प्रतिमा, मूर्तिकारों ने कही ये बात। अब भी अल्प वर्षा की चपेट में 2 दर्जन से ज्यादा तहसील, बघेल कर सकते हैं राहत की घोषणा। बिजली कंपनी में अब लाइनमैन की 3000 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश में डीएमएफ फिर से कलेक्टरों के हवाले, हटाए गए प्रभारी मंत्री। अब छत्तीसगढ़ मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगी कांग्रेस। बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने स्टार्टअप पर की भिलाई के स्टूडेंट्स से चर्चा, कहा भारतीय कंपनियों से सीखते रहेंगे। बीएसपी में रुकी हुई सुविधाओं की बहाली पर जगी उम्मीद। ईंट भट्टा से सामान चोरी करने वाला चालक पुलिस की गिरफ्त में। अमृत मिशन किसी वार्ड में 3 साल से तो किसी में 3 दिन से नहीं आ रहा पानी। बीएसपी में आयरन ओर की आपूर्ति, माइंस में उत्पादन प्रभावित। 1,35,00,000 का स्कूल भवन बनाया, सड़क बिजली व पानी देना भूल गए। ट्रेन में हाथ छूटा और खो गई, मुझे मेरी गुड़िया ला कर दो। 12वीं पास ग्रामीणों को कोनी प्रशिक्षण केंद्र तकनीकी रूप से करेगा दक्ष। निगम लेगा तालाब के शुद्ध सौंदर्यकरण के लिए, खर्च होंगे 4.5 करोड़। अर्पा नदी में अब भी चल रही माफियाओं की मनमानी। राजकिशोर नगर में बिजली बिल जमा करने की मशीन बंद, आज भी परेशान होंगे उपभोक्ता। चोरी का आरोप लगाकर युवक से मारपीट, आहत युवक ने कर लिया जहर का सेवन। पाइप बिछाने के बाद सड़क पटाने में लापरवाही, खामियां जब भुगत रहे शहरवासी। बिलासपुर में शौक ने बना दिया चोर, 2 मोटरसाइकिल के साथ नाबालिग गिरफ्तार। किसान नेता योगेंद्र यादव पर भड़के फिल्म मेकर, बोले यादव जी कहे देश को बेवकूफ बना रखे को। सिंधु बॉर्डर का रास्ता फिलहाल खुलने की टूटी आस, सोनीपत के लोगों को लगा झटका। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की यूपी विधान भवन में नमाज के लिए अलग कक्ष बनाने की मांग। हरियाणा पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, आज बाधित रहेगा दिल्ली चंडीगढ़ जीटी रोड। दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस को झटका, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कई नेता। दिल्ली परिवहन निगम ने कहा स्कूलों व सुरक्षा एजेंसियों को बसें नहीं दे सकते, कर लें अपना इंतजाम। दिल्ली परिवहन निगम के इन 7 डिपो में बनेंगे चार्जिंग स्टेशन। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, हरिद्वार से गाजियाबाद लौट रहे 5 लोगों की मौत। दिल्ली एयरपोर्ट से सस्ता होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई सफर करना। बिहार समेत देश के 54% परिवार आज भी कर रहे पारंपरिक ठोस ईंधन का उपयोग। शायराना अंदाज के साथ कुमार विश्वास ने बदली अपनी प्रोफाइल पिक्चर और लगाया नया स्केच। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के साथ सरेरा लूट, विरोध करने पर की पिटाई। सीबीआई ने जेईई की मुख्य परीक्षा में धांधली के आरोप में सोनीपत से 4 आरोपितों को किया गिरफ्तार। एसबीआई बैंक ने वन कार्ड के साथ की साझेदारी, मोबाइल आधारित क्रेडिट कार्ड होगा लॉन्च। एसबीआई अप्रेंटिस एडमिट कार्ड जारी, 20 सितंबर को होगी परीक्षा। शिक्षक पर्व 2021 पर एनएपी की कई पहल लॉन्च, आजादी का अमृत महोत्सव में ये पहल अहम, पीएम मोदी। तालिबान ने अहमद मसूद की खबरों पर लगाई रोक, पंजशीर को लेकर तेज हुई लड़ाई। जब रणबीर कपूर की भांजी स्कूल में करने वाली थी एक्टर का फोन नंबर लीक, वजह जान हो सकते हैं हैरान। गर्मी से मिलेगी राहत, मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी, जाने अपने राज्य का पूर्वानुमान। देश के तकनीकी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रासंगिक सामयिक बदलावों पर दिया जाए जोर। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध राजनीतिक हो गया है, यह कहना है केंद्रीय मंत्री बालियान का। बीबीयू प्रवेश परीक्षा 2021 फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट आगे बढ़ी।
यूक्रेन मसले पर किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए रूस के पास है कई विकल्प। आबादी के बढ़ते दबाव और पर्यावरण असंतुलन से सिकुड़ते जंगल के चलते सुंदरबन में बढ़ रहे बाघों के हमले। यूपी में ऑनलाइन रोजगार मेलों में 10,000 युवाओं को मिली नौकरी, कोरोना काल भी नहीं बना बाधा। रामायण में रमी फ्रांसीसी दूल्हे का भर रही रामनगरी में रंग, जानिए कौन है शिपू। एमपी बिहार समेत देश के 54% परिवार आज भी कर रहे पारंपरिक ठोस ईंधन का उपयोग। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री की चेतावनी, दुनिया को कट्टरपंथी इस्लामी समूहों से जैविक आतंकवाद का खतरा। पंजशीर के क्या है हालात, तालिबान और एनआरएफ कर रहे अलग अलग दावे, पूरी तरह साफ नहीं तस्वीर। मंगल ग्रह पर नासा को मिली बड़ी कामयाबी, रोवर ने लिया चट्टान का पहला नमूना। 20 सितंबर को होने हैं मध्यावधि चुनाव, जनमत सर्वेक्षणों से जस्टिन ट्रूडो पीछे। पंजशीर हमले में पाकिस्तान के दखल की जांच कर रहा ईरान, इमरान सरकार को दी चेतावनी। आलिया भट्ट के सिर काटना चाहता है ये अभिनेता, जाने क्यों। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने सोफे पर लेटकर इस अंदाज में लिया मौसम का मजा, तस्वीर हो रही वायरल। इन किरदारों की वजह से विवादों में रही राधिका आप्टे, जाने कैसे बनाया अपना मुकाम। द वायर फेम एक्टर माइकल के विलियम्स का 54 साल की उम्र में निधन, अपने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में पाए गए मृत। ग्राम विकास अधिकारी के 3,896 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, ऐसे ही कर पाएंगे आवेदन। ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो का सबसे सस्ता मॉडल, डुअल एयरबैग और एबीएस से है लैस। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 9 सितंबर को जारी करेंगे एनआईआरएफ रैंकिंग, पिछले साल ये थे टॉप कॉलेज। 10 सालों के इंटरनेट बैन का इतिहास, जानिए कब, कहां और कितने दिन रहा इंटरनेट शटडाउन। पोस्ट वर्कआउट डाइट कैसी होनी चाहिए, जानिए। अचानक अफगानिस्तान को लेकर फिर क्यों सुर्खियों में आई पाकिस्तान की लाल मस्जिद। अनुपमा के बाद अब मिथुन चक्रवर्ती की बहू की बिकनी, तस्वीर हो रही वायरल। अव्या का दिलकश अंदाज देख फैंस हुए दीवाने। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN News।